लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत हो गया भाई, आपका सिर्फ नाम सुन के जिस मुंबई पुलिस का मुंह निकल जाता था, वही पुलिस आज 13 दिन में अपना 27 छोकरा लोग को टपका डाला। हाँ भाई, 25 साल यहाँ बैठ के जिस मुंबई पे हम हुकूमत किया ना, उसे 25 ही दिन में हिला डाला ये मुंबई पुलिस। पुलिस आज की तारीख में मौत बन गई है भाई, न गिरफ्तारी न सरेंडर, डायरेक्ट खलास करने को बोलता है वो कमिश्नर। भाई वो साला सीएम का हाथ है पुलिस के सर पर, तभी तो साला 2% का इंस्पेक्टर बोलता है कि जफर सुपारी हमारा क्या उखाड़ लेगा। मैं बोलता है भाई, तुम एक आवाज करो, अभी का अभी मुंबई जाकर उस पुलिस कमिश्नर के भेजे में गोली ठासता मैं, और बताता है मुंबई पुलिस को कि जिंदा साहब पे हाथ नहीं डालने का। माजिद, लगाओ साले अपोजिशन लीडर काशी त्रिवेदी को फोन, उसको बोल पुलिस वालों को दलितों, माइनॉरिटीज और बेगुनाहों का हत्यारा बताकर विधानसभा में हंगामा खड़ा करवा दे। फर्जी इनकाउंटर के नाम पे प्रेस के जरिए सरकार और पुलिस का जीना हराम कर डालो, कुर्सी हिला डालो उस साले सीएम की। ये सीएम और कमिश्नर को बताएगा मैं, जिस सरकार के बल पर उचकते हैं ना ये लोग, उसे यहां बाहर मुल्क में बैठकर चलाता है जफर सुपारी। जंगल राज है ये जंगल राज, अरे गुंडा राज बना दिया है सरकार को, और ये पुलिस वाले तो वर्दी पहनकर हत्यारे बन गए हैं हत्यारे। अरे न वारंट न गिरफ्तारी न कोर्ट कचहरी, सीधे मौत। मैं आपसे पूछता हूँ सीएम साहब, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? हत्यारे पुलिस, हाय हाय, मरने वाले गुंडे, हाय हाय, नरपक्षी सरकार, हाय हाय। त्रिवेदी जी, अगर विधानसभा की तरह यहाँ भी हंगामा करवाना है तो फिर इस मीटिंग का क्या मतलब है? आखिर समस्या क्या है आपकी? समस्या नहीं, सवाल है। मुंबई शहर की सड़कों पर खून की होली कब तक खेलती रहेगी आपकी ये पुलिस, कब तक? तब तक जब तक इस शहर का आखिरी गैंगस्टर खत्म नहीं हो जाता, जब तक क्राइम फ्री स्टेट का मकसद हासिल नहीं हो जाता, तब तक। ओ मुख्यमंत्री जी, जरा समझाइए अपने सर पर एक कमिश्नर को कि ये दलितों और माइनॉरिटीज के खून की होली खेलना बंद करे। काशी त्रिवेदी जी, खून की होली आप जैसे पॉलिटिशियंस खेलते हैं, पुलिस नहीं। मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को लड़वाया किसने? तुमने। बिहार में यादवों को ब्राह्मण से, यूपी में ठाकुरों को दलित से, और गुजरात में हिंदू को मुसलमान से लड़वाया किसने? तुमने। चंद वोटों की खातिर भाई से भाई को लड़वाकर उनकी लाशों पर सत्ता की रोटी सेंकना आप जैसे नेताओं का काम है, पुलिस का नहीं। ए! मानवाधिकार के भक्षक, ह्यूमन राइट्स वायलेटर, मुझ पर इल्जाम लगाता है, मुझ पर? तेरी इस सत्यनारायण जोशी की सरकार को तो मैं चुटकियों में गिरा दूंगा, चुटकियों में, तख्ता पलट दूंगा तेरा, समझा? तुझे कमिश्नर से हवलदार बना दूंगा। काशी त्रिवेदी, किसके ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है तू? उन गुंडों की जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जो बेकसूर लोगों पे गोलियां चलाते, उनकी बीवियों को विधवा और बच्चों को अनाथ बनाते हैं। काशी त्रिवेदी, तू उन लोगों की ह्यूमन राइट्स की दुआई दे रहा है जो ह्यूमन है ही नहीं, उनके साथ कैसा ह्यूमन कंसिडरेशन? They are inhuman bastards. वो सिर्फ एक ही जबान समझते हैं, इसकी। खामोश! 2% की पुलिस अफसर, तू इनके बल पर उचक रहा है ना? इस मुख्यमंत्री के दिन तो हवा हुए,
और इस कमिश्नर का तबादला तो मैं मुख्यमंत्री बनते ही करवाऊंगा। और रहा तू तो तुझसे हर रोज सलामी ना करवाई तो मेरा भी नाम काशी त्रिवेदी नहीं। तो फिर मेरी भी एक बात सुन ले काशी त्रिवेदी, जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ कोई गवाह मिल गया उस दिन तू चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं अपनी अर्थी पर लेटा होगा। पर काशी त्रिवेदी, मेरा एक वादा है तुझसे कि तुझे कांधा देने के लिए एक आदमी भी नसीब नहीं होगा। काशी त्रिवेदी, मैंने तुझे दूध वाले से उठाकर नेता बनाया, माइनॉरिटी का एमएलए, अपोजिशन का लीडर बनाया, किसके वास्ते? इस दिन के वास्ते? विधानसभा में बैठकर दूध देने के वास्ते? ए काशी, पप्पू काले अपन गया, एक एक करके अपन का सारा विकेट डाउन कर डाला तेरे उस पुलिस कमिश्नर ने। 25 साल का मुंबई शहर पर मेरा हुकूमत, बर्बाद कर डाला तुम्हारा मुंबई पुलिस, और उधर आईएसआई के सामने मेरे मुंह पर कालक पतवा डाला। कुछ करो नेताजी, कोई रास्ता ढूंढो, हमें इस मुसीबत से निकालो। रास्ता तो हमारे पास है जफर भाई, लेकिन पैसा जरा ज्यादा लगेगा। मैं सोच ही रहा था कि पैसों के लिए तुम्हारा मुंह कब फटेगा। फाड़ो फाड़ो अपना मुंह। तो ध्यान से सुनो सुपारी, मुख्यमंत्री सत्यनारायण जोशी की सरकार सिर्फ 11 इंडिपेंडेंट एमएलए के समर्थन पर टिकी है और इन 11 में से 9 बिकने के लिए तैयार हैं। कीमत है 60 करोड़। यानी 60 करोड़ में तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे? ठीक है काशी, गिराओ सरकार, तुम्हें 60 करोड़ कल पहुंच जाएंगे। तो समझ लो जफर भाई, आप मुंबई शहर के प्रधानमंत्री बन गए, संतरी से मंत्री तक हर कोई अपना आदमी, सरकार हमारी और सल्तनत तुम्हारी। ए मुन्ना, ए बद्री, हम तुमसे कहे थे ना, जोड़ेंगे तोड़ेंगे, लड़ेंगे लड़वाएंगे, दल बनाएंगे बिगाड़ेंगे, पर एक रोज ही कुर्सी पर बैठ के दिखाएंगे। वो दिन आ गया रे मुन्ना, अब हम इस प्रदेश के राजा हैं और बाकी सब हमारी प्रजा। सुनो भाइयों, तुम सभी मंत्रियों संतरियों और अफसरों की ईमानदारी, क्या ईमानदारी, गुजरे हुए मुख्यमंत्री के साथ गुजर गई क्या? अब हम जो कहेंगे वो आदेश होगा, हम जो बनाएंगे वो कानून होगा। 60 करोड़ खर्च किया है सरकार बनाने और गिराने, उसके बदले में 60 नहीं 600 नहीं 36,000 करोड़ मुंबई वालों का खून चूस कर वसूल करूंगा मैं। बिल्डर से लेकर एक्टर और डॉक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक, किसी को मत छोड़ो। उनसे बोलो जिंदा रहना है तो हफ्ता भेजो, बीवी बच्चों की सलामती चाहते हो तो सफर को पैसे भेजो, मुंबई शहर में धंधा करना है, यहां तक के मुंबई शहर में सांस भी लेना है तो जफर भाई को सलामी का पैसा भेजो। ये साला पुलिस वाला घर में घुस घुस के मारा ना मेरे छोकरे लोगों को, इनके भी घर में घुस घुस के धमकाओ इनकी मां बहन बीवी और बच्चों को, ना माने तो काट डालो सालों को।
बताओ पुलिस को, डरना मांगता अपने इस बाप से, इस सफर सुपारी से। बाय। यू टेक केयर। यू टू। बाय बाय। मॉम, मॉम, कहाँ हो तुम? मॉम, अरे भाई कहाँ हो तुम? भैया के आने का वक्त हो गया है, आपने पूजा की थाली सजाई कि नहीं? मॉम, वेर आर यू मॉम? माँ भी ना, उफ, जरूर पूजा घर में बैठी होगी। तेरे को मारने नहीं, समझाने आया हूं। जफर सुपारी को जानती है ना तू? बाहर गांव रहता है पर अक्का मुंबई पे राज करता है। तेरे इंस्पेक्टर भाई जैसे लोग मालिश करता है जफर सुपारी का, समझा अपने इंस्पेक्टर भाई को? जफर को बाप और एड़ा को बड़ा भाई मानने का, रोज सलाम बजाने का, डरने का जफर भाई से। अगली बार समझाने नहीं आएगा मैं, तेरी इस माँ का टुकड़ा टुकड़ा करके तेरे को उठा कर ले जाएगा। सुबह 8 बजे घर से निकलती है, 8:10 को बस स्टॉप से कॉलेज के लिए बस पकड़ती है, 3:30 बजे कॉलेज छूटता है, और तू 4:30 बजे घर पहुंचती है। तेरा पूरा टाइम टेबल अक्खा चोपड़ी आया अपन के पास, जब चाहेगा अपन तेरे को टपका डालेगा। और वैसे भी तेरी जैसे आइटम की जगह यहां पर नहीं, सफर भाई के हरम में है अपन के पास।